तो दोस्तों आज बात करते हैं गैलेक्सी M01 और गैलेक्सी M02 के हार्डवेयर के बारे में, यानी कि इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच करने जा रहे हैं एक N22 बेंचमार्क का स्पीड टेस्ट। देखते हैं किस डिवाइस का हार्डवेयर किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर गैलेक्सी M01 का मैंने यूज किया है, एक ही वेरियंट आता है 3GB RAM 32GB इंटरनल मेमोरी वाला, वहीं गैलेक्सी M02 का यूज किया है 2GB RAM 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गैलेक्सी M02 में आपको मिलता है MediaTek का MT6739W प्रोसेसर, वहीं गैलेक्सी M01 में आपको मिलता है Snapdragon का 439 प्रोसेसर। तो चलिए टेस्ट करते हैं शुरू। तो टेस्ट हो चुका है, फिनिश स्कोर से आपकी आंखों के सामने। अब यहां पर अगर टोटल पर नजर डालें तो दोनों ही डिवाइसेस का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। यहां गैलेक्सी M01 कंप्लीटली गैलेक्सी M02 को बीट करता है। सबसे पहले टोटल की बात करें तो गैलेक्सी M01 का टोटल है 98511, वहीं गैलेक्सी M02 का है 55081, यानी कि कोई भी कंपैरिजन यहां इन दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर में नहीं बनता। सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, यानी कि कॉमन यूज की। कॉमन यूज मतलब अपने डिवाइस पर सिंपल से एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस का रिबूट करना, किसी प्रोसेस का फिनिश होना, वही कॉमन यूज। तो कॉमन यूज यानी सीपीयू स्कोर्स की बात करें तो गैलेक्सी M01 का स्कोर है 41159, गैलेक्सी M02 का है 22713, यानी कि यहां भी दूर दूर तक दोनों ही डिवाइसेस का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। गैलेक्सी M01 कोर कॉमन यूज में गैलेक्सी M02 को कंप्लीटली बीट करता है। ये तो हुई स्कोर्स की बात, यहां पर ये एक वीडियो है जो दोनों ही डिवाइसेस में N22 बेंचमार्क का टेस्ट करते समय रिकॉर्ड किया गया है। दोनों ही डिवाइसेस पर यहां कॉमन यूज में यानी कि जो स्क्रोलिंग हो रही है उसमें लैग देखने को मिलता है, लेकिन जब दोनों को आपस में कंपेयर करें तो गैलेक्सी M01 फिर भी गैलेक्सी M02 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मूथ है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिकली बात करें तो गैलेक्सी M02 पर आपको कॉमन टास्क में जैसे कि डायलर ओपन करना, नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना, अपना मेन्यू ओपन करना, किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना, हर छोटे छोटे टास्क में आपको यहां लैग देखने को मिलेगा, जबकि सेम कंडीशन में गैलेक्सी M01 पर आपको कॉमन यूज के लिए कोई इशू देखने को नहीं मिलता। हालांकि थोड़े टाइम के यूज के बाद जनरली डिवाइसेस हैंग होने लगते हैं, उस कंडीशन में आपको इशू देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स गैलेक्सी M02 में आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको लैग देखने को मिलता है, जबकि सेम कंडीशन में गैलेक्सी M01 गैलेक्सी M02 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गैलेक्सी M01 का स्कोर है 9659, वहीं M02 का है 2619। अब गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि जिस डिवाइस का N22 बेंचमार्क स्कोर 2619 हो वो गेमिंग परफॉर्मेंस में क्या ही होगा। बाकी का वैसे मैंने गैलेक्सी M02 का एक गेमिंग रिव्यू बनाया था, GTA San Andreas गेम प्ले किया था, वहां पर मैंने तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस वहां देखने को मिली थी, लो ग्राफिक्स पर भी वहां पर लैग देखने को मिले थे GTA San Andreas पर, यानी कि टेंपल रन टू सबवे सर्फर्स जैसे गेम शायद आप प्ले कर पाओ बिना किसी लैग के, नहीं तो मुझे लगता है वहां भी आपको कोई ना कोई लैग जरूर देखने को मिल जाएगा। जबकि बात करें गैलेक्सी M01 के बारे में तो बेसिक से टेंपल रन टू सबवे सर्फर्स जैसे गेम आप अपने गैलेक्सी M01 पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। अब अगर N22 बेंचमार्क की बात करें तो यहां पर गैलेक्सी M01 पर एक 3D वीडियो सपोर्ट नहीं था, जबकि गैलेक्सी M02 पर दो 3D वीडियो सपोर्ट ही नहीं हुए, और जो वीडियो सपोर्ट हो रहा था रिफाइनरी वाला वो भी वहां पर गैलेक्सी M02 पर प्ले नहीं हुआ, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों ही डिवाइसेस का कोई भी मेल नहीं बनता। गैलेक्सी M01 यहां कंप्लीटली गैलेक्सी M02 को बीट करता है। बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की, यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की, मल्टीटास्किंग की, और इंटरनल स्टोरेज जो आपको मिलता है वहां रीड एंड राइट स्पीड आपको कैसी मिलती है। तो गैलेक्सी M01 का मेमोरी स्कोर है 32642, वहीं गैलेक्सी M02 का है 20080, यानी कि यहाँ भी गैलेक्सी M01 गैलेक्सी M02 को बीट करता है। हो सकता है ये रैम के वर्जन की वजह से हो, क्योंकि M01 का मैंने यहाँ पर 3GB वाला वेरिएंट यूज किया है, गैलेक्सी M02 का 2GB वाला वेरिएंट यूज किया है, तो हो सकता है जब आप सेम वेरिएंट पर इन दोनों को कंपेयर करो तो मल्टीटास्किंग की आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। लेकिन रोम स्कोर्स की बात करें तो वहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड में गैलेक्सी M01 गैलेक्सी M02 को बीट करता है। ओवरऑल अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ गैलेक्सी M01 कंप्लीटली गैलेक्सी M02 को बीट करता है। गैलेक्सी M02 में ना तो आप अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो, ना ही आप अच्छे से कॉमन यूज के लिए भी गैलेक्सी M02 इतना अच्छा नहीं, जबकि सेम कंडीशन में गैलेक्सी M01 आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। यही था मेरा गैलेक्सी M01 और गैलेक्सी M02 के बीच एक स्पीड टेस्ट, एक हार्डवेयर का कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इन दी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।